प्रियक्शोन्स प्रियक्शन क्या होते हैं ये जो होते हैं स्मॉल स्पेकल बॉडी जो कि सिंगल मेमने से बाउंडेड की जाती हैं ये मोस्टली किडनी एंड लीवर सेल्स के पास पाई जाती हैं प्रियक्सोन् जो होते हैं पर ऑक्साइड प्रोड्यूसिंग एंज होते हैं जो कि जो कैटलिस्ट को की तरह वर्क करते हैं और ऑक्सीडेटिव डिटेक्शन रिएक्शन कराने में हेल्पफुल होती हैं और साथ साथ लिपिड मेटामोजोल होता है उसमें पार्ट लेती हैं इन ये जो होती हैं ऑक्सीडाइज कैटलाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूसिंग एस टू ओ टू हाइड्रोजन परोक्साइड मतलब ये ऑक्सीडी ऑक्सीडाइज कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं जो एस सब्सटेंस जो कि हाइड्रोजन परॉक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं ये हाइड्रोजन परॉक्साइड को वाटर एंड ऑक्सीजन में डिग्रेड कर देते हैं जैसा हमें पता है हाइड्रोजन पोरऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए और लिविंग सेल के लिए हार्मफुल होती है और इट्स डिस्ट्रक्शन बाई कैटलिस्ट इज तस्ट यूजफुल फॉर द सेल और प्रयोग सोम्स जो होते हैं इसी को रिड्यूज कर देते हैं या डिस्टर्क कर सकते हैं एंड इनकी फंक्शन होती हैं कैरी आउट सम ऑक्सीडेटिव रिएक्शन इन सेल्स ये ऑक्सीडेटिव रिएक्शन टेक प्लेस कराते हैं सेल्स के अंदर एंड रिमूवल टॉक्सिक सब्सटेंस और टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करते हैं एन इन एनिमल सेल जो एनिमल सेल्स के अंदर ये लिपिड मेटामो में टेक पार्ट करते हैं नौ राइबोसोम्स राइबोसोम्स क्या होते हैं जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोक्रोटिक एंड ईक्टिक सेल दोनों में पाए जाते हैं लेकिन वो मैच्योर रेड ब्लड सेल में नहीं पाए जाते एंड ये बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं एंड राउंड बॉडी कंपोज ऑफ न्यूक्लिक एसिड ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और एक राउंड शेप होता है और इनके अंदर राइबो न्यूक्लियस एसिड जिसे आर कहते हैं और साथ साथ इनके अंदर प्रोटीन भी प्लेजेंट होता है एंड ये जो होते हैं मेमरी बाउंडेड नहीं होते एंड इन प्रोक्रोटिक सेल दे आर फाउंड स्केटर्ड फ्रीली थ्रॉल सेल और जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके अंदर ये अन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और इनका जो मेन वर्क होता है ये इनका जो मेन फंक्शन होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में काम आते हैं नेक्स्ट माइक्रो माइक्रोकोन्डेरियास माइक्रोम क्या होते हैं इन्हें हम सेल का पावर हाउस भी कहते हैं और ये जो होती हैं फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ इक्टिक सेल ये इक्विटिक सेल के साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं लेकिन रेड ब्लड सेल्स में नहीं पाई जाती हैं एंड ऑल्सो नोट इन प्रोक्रेटिक सेल ना ये रेड ब्लड सेल्स में पाई जाती हैं ना ही प्रोक्रेटिक सेल में पाई जाती जो होती हैं वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं और प्लेमेंट सेप स्ट्रक्चर होते हैं और ये डबल मेम्ब्रेन होती हैं इनके पास दो मेम्ब्रेन होती हैं एंड आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ व्हाट इनर मेम्ब्रेन बियर फोल्डेड कॉल्ड क्रिस्टिन मीन टू सी जो उनकी आउटर सरफेस होती है वो तो स्मूथ होती है लेकिन जो इनर सरफेस होती है वो थोड़ी फोल्डेड होती है जिसे क्रिस्टिन कहते हैं एंड क्रिस्टिन ग्रेटली इंक्रीज सर्फेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन और क्रिस्टिन की वजह से जो उनका इनर सर्फेस एरिया होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है सर्फिस ऑफ क्रिस्टिन क्लोजली पैक पार्टिकल कॉल एलिमेंट्री पार्टिकल और एफ एन पार्टिकल और ऑक्सीडोम आर गोइंग टू प्रजेंट क्रिस्टिन की इनर सर्फेस पर एलिमेंट्री पार्टिकल एफ एन पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं एंड इनर मेम्ब्रेन इनक्लोज स्पेस कंटेनिंग माइक्रोमोडियल मैट्रिक्स और उनके अंदर इनर सर्फेस के अंदर माइक्रोमोडियल मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है जो जिसके अंदर के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और वो एंजाइम्स एनर्जी रिलीज करते हैं इसलिए माइक्रोमोंडिया को कॉमनली हम पावर हाउस और द सेल कहते हैं और जो माइक्रोमोंडिया होती है उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है फूड मोकल्स की वो एटीपी की फॉर्म में रिपेन्ट होती है एटीपी टी पी एंडोसाइन ट्राई एंड माइक्रोमोंडिया हैव उसके पास अपना डी एन एंड राइबोसोम्स होते हैं इन दे आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ऑन प्रोटीन और कुछ मात्रा तक वो अपनी खुद की प्रोटीन्स भी क्रिएट कर सकती हैं नेक्स्ट इनके फंक्शंस क्या होते हैं फंक्शंस जो होते हैं फर्स्ट माइक्रोमोटेरिया आर द सेंटर सेलुलर रिस्पिरेशन एंड सेंटर फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल जो माइक्रोमोटेरिया होती है पावर ऑफ तो द सेल होती है और ये energy, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल ए फॉर्म करती है एंड प्रोवाइड करती है थ्रू आउट द सेल्स सेकेंड ए टी पी प्रोड्यूस इन माइक्रोमोड यूज इन द सेल फॉर वाइटल एक्टिविटीज और जो ए टी पी प्रोड्यूस करती है वो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं सेल के अंदर नेक्स्ट प्लास्टिक प्लास्टिक क्या होते हैं प्लास्टिक जो होते हैं वो केवल प्लांट सेल के अंदर एंड फ्यू प्रोस्टेट्स एंड रिगलिना के अंदर पाए जाते हैं लेकिन ये एनिमल सेल्स के अंदर एबसेंट होते हैं एंड दी आर द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन प्लांट तो सबसे बड़ी ऑर्गनिज होती हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं एंड इनके अंदर हैव देयर ओन राइबोसोम इनके अंदर खुद के राइबोसोम्स होते हैं इनके अंदर मेट इनके अंदर स्ट्रोमा और ड्रेना भी होते हैं और जो हमारी प्लास्टिक होती है वो दो तरीके की होती हैं पहली होती है ल्यूकोप्लास्ट प्लास्ट और दूसरी होती है क्रलो जो ल्यूकोप्लास्ट प्लास्ट होती है वो कलरलेस प्लास्टिक होती है और ये स्टोर ऑफ फूड में काम आती है इन और जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च प्रोटीन एंड फैट की फॉर्म में स्टोर होता है दे मोस्टली अकर स्टोर सेल इन रूट एंड ग्राउंड स्टीम क्रोलोप्लास्ट क्रोलो जो क्रोलो होती हैं वो तो कलर प्लास्टिक होती हैं कलर सर्वल टाइप ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ द कलर्स और हम उन्हें कलर की बेसिस पर ही कैटेगराइज करते हैं और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लोरोप्लास्ट होती है उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं इन क्रोमोप्लास्ट में जो ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो क्लोरोफिल कैंसिल कर करके रखती है और क्लोरोफिल जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिंथेसिस फूड बाई फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस की मदद से प्लांट्स के अंदर फूड सिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल होता है जैसे क्रोमोप्लास्ट क्लोमोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल और क्लोरोफिल होता है फोटोसिंथेसिस करने में हेल्पफुल होता है फंक्शंस ऑफ प्लास्टिड प्लास्टिड के फंक्शन क्या होते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है प्लास्टिक जो होती हैं प्लांट के अंदर फोर सैनिटाइज करने में हेल्प करती हैं खाना बनाने में हेल्प करती हैं लिक्विड प्लास्ट जो होते हैं स्टोरेज करने में मदद करते हैं स्टोरेज ऑफ प्रोटीन स्टार्च एंड ऑयल ऐसे ही क्लोर प्लास्ट होता है जो होता है कलर प्रोवाइड करता है कलर्स एंड फ्रूट टू द द्लास्टिक्स इट हेल्प इन अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर द पॉलिनेशन और साथ साथ ही इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए सेकेंड सेंट्रोसोम सेंट्रोसोम जो होता है केवल एनिमल्स के अंदर पाया जाता है और प्लांट्स के अंदर एबसेंट होता है सेंट्रोसोम लाइन नियर द न्यूक्सन कंसिस्टिंग ऑफ टू डार्क स्टेनिंग कैनल को सेंट्रोल और इट ड्यूरिंग सेल डिवीजन सेंट्रोसोल माइग्रेट टू अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल और सेल डिवीजन के दौरान ये माइग्रेट कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह और फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम जो होता है वो सेल डिवीजन में हेल्पफुल होते हैं इन प्लांट प्लांट्स के अंदर जो पोलर कैप होते हैं पोलर कैप इसी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं सेम फंक्सन को ही पोलर कैप के द्वारा परफॉर्म किया जाता है इन सिला सीलिया एंड फ्लैगिला सीला एंड फ्लैगला क्या होते हैं ये फाइन हेयरलाइक माइक्रोस्कोप्स होते हैं और मोबल स्ट्रक्चर होती हैं जो कि आउटर सर्विस में पाए जाती हैं बोथ राइज फॉर्म बॉडी बेसल जो कि बॉडी बेसल से राइज किए जाते हैं और फंक्शन क्या होता है इनका सीला एंड फ्लेगिलार आर लोकोमोट्री ऑर्गेनिम ऑफ और ऑर्गेनि मतलब जैसे ये जगह से दूसरी को मूव करने में ये हेल्पफुल रहते हैं और साथ ही मूव कराने के साथ साथ ये जैसे फूड पार्टिकल्स होती हैं उसी सेल के मुँह में या फिर उसे पकड़ने में भी हेल्प करते हैं नेक्स्ट वैक्यूल्स वैक्यूल्स जो होता है वैक्यूल्स जो है फ्यूल्ड फिल्ड मेमरी होता है और ये एक स्टोरेज सेक होता है और कंटेंट सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट उसके अंदर सॉलिड और लिक्विड तो एक कंटेंट पाए जाते हैं दे ऑकर इन मोस्ट वट नॉट इन ऑल सेल सभी सेलों के अंदर नहीं पाया जाता एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड इज कॉल टोनोप्लास्ट जो मेमरिन इसे बाउंड करती है उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं इन प्लांट सिंगल सेंट्रल बेकुलिस प्लेंट प्लांट्स के अंदर सिंगल सेंट्रल बैक्यूल प्लेट होता है और प्लांट्स के अंदर वो फिफ्टी से नाइन्टी परसेंट पार्ट ऑफ द प्लांट वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है इतना ज़्यादा पार्ट एंड बिकॉज ऑफ इट सेंट्रल पोजिशन न्यूक्लियस एंड अदर मैमब्रेन पोज नियर दिप्री ऑफ दूस जब इसका साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो प्लांट की न्यूक्लियस एंड अदर मैम्ब्रेन उस तो थोड़ा साइड में होना पड़ता है या साइड में हो जाती हैं इसके फंक्शंस क्या होती हैं इन एनिमल सेल ये इट हेल्प इन मेंटेनिंग वाटर बैलेंस ये वाटर का बैलेंस बना के रखता है एंड इन प्लांट इट रिजिडिटी और प्लांट में वो ठोस और रिजिड बना के रखता है उन्हें एंड स्टो मेटामोलिक बेस्ड जो मेटामोलिक बेस्ट होता है उसे स्टोर कर करके रखता है प्लांट के अंदर एंड सिंगल सेल ऑर्गन लाइक अमीबा फूड वैक्यूल्स कंटेन द फूड आइटम डेट इज दे है कंज्यूम फूड वैक्यूल जो होता है जो फूड को कंज्यूम कर, कर से करके रखता है जो कि एक अमिवा ने इंटेक किया है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इस पार्ट में हम जानेंगे अलग सेल ऑर्गन के बारे में इन शॉर्ट हम इन डिटेल फर्स्ट पार्ट में समझ चुके हैं अब सेकेंड पार्ट में हम थोड़ा उनके बारे में शॉर्ट टर्म में और थोड़ा जल्दीली समझने की कोशिश करेंगे हमने कौन कौन सी ऑर्गेज के बारे में जाना था हमने जाना था न्यूक्लियस के बारे में साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लास्टिड न्यूक्लियस कलग्यापैटस लाइबोसोम वैक्यूल्स एंड राइबोसोम्स एंड मैनी ऑफ अब इनके बारे में हम थोड़ा स्मॉल Recap कर लेते हैं सबसे पहले हम चलते हैं विथ सिंगल मेम्ब्रेन ऐसे ऑर्गनिस्ट जिनकी केवल सिंगल मेम्ब्रेन होती है उनमें आती है हमारी एंडोप्लाजम गोलगे लाइबोसोम प्रियोक्सोम एंड वैक्यूल्स सबसे पहले देखते हैं साइटोप्लाज सैटोप्लाम जो होते हैं उनकी बाउंड्रीज कैसी होती हैं बाउंड्रीज होती हैं बाउंड्रीज बाउंडेड बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड एंड सेमी परमेबल नेचर साइटोप्लाज्म जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंड किया जाता है एंड प्रोटीन और लिपिड से बनी हुई सेमी परमीय मेम्ब्रेन से कवर होता है इसका फंक्शन क्या होता है साइटोप्लाज्म का हमने जाना था साइट ऑफ मेटामोलिज्म ज़्यादातर जो फंक्शन होते हैं इसी में परफॉर्म होते हैं एंड्रोप्लाज्मिक रेक्टेलियम एंड्रोप्लाज्मिक रेक्टिलियम जो होता है वो भी सिंगल मेम्ब्रेन होता है एंड फोल्डेड मेम्ब्रेन होती हैं एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रैक्टिलम जो राइबोसोम कंस करके रखता था एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम एब्सेंट होता था राइबोसोम्स इसके फंक्शन प्रोटीन और लिपिड लिपिडी थी गलगियापेटस पेटस में मैमरस में स्टैक और स्टैक ऑफ प्लेटिन मेम्ब्रेन से एक्सप्रेंट होती हैं और इसका जो फंक्शन होता है पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड प्रोटीन और लिपिड को पैकेजिंग करने का काम होता है इसका लाइबोसोम्स लाइबोसोम होता है यूनिट मेम्ब्रेन यूनिट मेम्ब्रेन होती है एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी ही होती है और ये सुसाइड बैग भी कहते हैं और ये डाइजेस्ट करने के काम आती है और फंक्शन इसका होता है इंटरसेल और डाइजेशन मॉलिक्यूल डिगार्डेशन प्लेक्सोम यूनिट सेल होती हैं एंड इनका फंक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाना होता है वैक्यूल्स वैक्यूल्स जो होते हैं यूनिट मेम्ब्रेन होती हैं एंड टोनोप्लास्ट होती हैं एंड इनका फंक्शन होता है स्टोरेज ऑन न्यूट्रिशन एंड वेस्ट जो बेस्ट है या न्यूट्रिशन है उसको स्टोर करके रखना अब कुछ एग्जाम्पल डबल मेम्ब्रेन के उनमें आते हैं न्यूक्लियस माइक्रोमोटेरिया एंड प्लास्टिक न्यूक्लियस क्या होते हैं न्यूक्लियस होते हैं एम्ब्ल न्यूक्लियर एम्बलब डबल मेम्ब्रेन विद पोर्स डबल मेम्ब्रेन पोर्स होते हैं इनका काम होता है स्टोरेज इन ट्रांसफर ऑफ जेंटिंग इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं और ट्रांसफर करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल द सेंट्रल फंक्शन ऑफ यूनिट और फंक्शनल यूनिट होती है और ये सारी की सारी फंक्शंस को परफॉर्म करती है माइक्रोमोंड्रिया माइक्रोमोड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ द सेल होती है एंड माइक्रोमोड्रिया डबल मेम्ब्रेन होती है एंड आउटर सरफेस स्मूथ होती है और इनर सरफेस जो क्रिस्टेंस फॉलो करती है और ये एनर्जी प्रोवाइड करती है एंड ए टी पी मोलिक्यूल प्रोवाइड करना काम होता है इसका मतलब पावर हाउस ऑफ सेल इसका फंक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ ए टीपी मॉलिक्यूल टू प्रोवाइड एनर्जी प्लास्टिक प्लास्टिक के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल पोटी से प्लांट को खाना बनाने में हेल्प करते हैं क्लोरोप्लास्ट एम्ब्लोड डबल मेम्ब्रेन होती है एंड बोथ इनर एंड आउटर मेम्रीन आटूथ दोनों इनर और आउटर मेम्रीन जो होती हैं स्मूथ होती हैं और उनका फंक्शन जो होता है फोर्स करना होता है और विदाउट मेम्ब्रेन विदाउट मेम्ब्रेन जो होते हैं राइबोसोम्स सेंट्रोल होते हैं और बिशल्स होते हैं राइबोसोम्स जो होते हैं प्रोटीन सेंस काम आते हैं सेंट्रोल्स होते हैं फॉर्मेशन और मेटामोलिक स्पेंडिकल एंड एस्टर काम आते हैं एंड बेशल बॉडी जो होती है वो सिला एंड फेगला को रेज करती है अब हम कुछ इम्पोर्टेंट डिफ्रेंशिएट देखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं डेट इज डिफरेंस इट बिटवीन सेल ऑर्गनिज एंड इंक्लूशन जो सेल इंक्लूशन होते हैं और सेल ऑर्गेज जो कि सैटो के अंदर पाए जाते हैं उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है जो सेल ऑर्गनिज होती हैं और वो जो होती हैं लिविंग स्ट्रक्चर्स होती हैं एंड वहीं सेल इंक्लूशन जो होता है वो नॉन लिविंग स्ट्रक् मेटेरियल ऑफ द सेल होता है वहीं जो फॉर्म मेटामोलिक मशीनरी ऑफ द सेल जो मेटामोलिक एक्टिविटी जितनी भी होती हैं वो सेल ऑर्गन ही पर करती हैं और सेल इंक्ल्यूशन द प्रोडक्ट और ये उन मेटामोलिक एक्टिविटी के प्रोडक्ट्स होते हैं सेल जो होती हैं है, ग्रो कर सकती हैं एंड वो डिवाइड भी कर सकती हैं लेकिन सेल इंक्लूशन न तो ग्रो कर सकता है और ना ही डिवाइड कर सकता है उस तरीके से दीज आउट फॉर्म इन द सेल इट सेल और नीस होती हैं वो सेल के अंदर ही बनती हैं वहीं जो सेल इंक्लेशन होते हैं इन द सेल और टेकन फ्रॉम आउटसाइड या तो ये सेल के अंदर बनते हैं इंक्लूशंस या फिर बाहर से लिए जाते हैं नेक्स्ट प्लांट सेल एंड एनिमल सेल प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में अंतर क्या होता है सबसे so, पहले जो प्लांट सेल होता है लार्ज साइज में होता है एज कंपेयर टू एनिमल सेल और एनिमल सेल जो होता है स्मॉलर इन साइज सेल बॉल इज प्रजेंट आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल बोड प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एंड सेल बॉल एबसेंट होती है एंड बाउंडेड बाई लिविंग प्लाज्मा मेमरिन ओनली केवल प्लाज्मा तो तो से ही बाउंड होता है इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन पेंट नहीं होती दूसरी जो प्लास्टिक पेंट होती है क्रोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट पेंट इन साइटोप्लाज्म, इनके प्लांट सेल के अंदर क्रोरोप्लास्ट एंड लिको पेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर वहीं एनिमल सेल्स के अंदर प्लास्टिड लिक्ड प्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट एब्सेंट होता है एंड इट हैज़ लार्ज परमानेंट सेंट्रल सेप बॉली प्लांट सेल्स के अंदर वैक्यूल्स का जो साइज होता है बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है एंड एनिमल सेल्स के अंदर जो वैक्यूल्स होता है वो छोटा होता है और टम्प्रेरी होता है मतलब तो चेंज होता रहता है वहीं प्लांट सेल्स के अंदर सेंट्रोसोम्स जो होते हैं वो एबसेंट होती हैं और उनकी जगह पोलर सेप होती हैं वहीं एनिमल सेल्स के अंदर सेंट्रोसोम प्रेजेंट होते हैं जो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं एंड माइक्रोमोटेरिया आर फ्यू इन नंबर जो तो माइक्रोमोटेस होती हैं प्लांट सेल के अंदर बहुत कम होती हैं लोगों ने कम एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वहीं एनिमल सेल्स के अंदर माइक्रोमोन्टेरिया बहुत बड़े अमाउंट पर प्रेजेंट होती हैं एंड प्लांट सेल जो होते हैं डू नॉट चेंज देश अपने सेप को चेंज नहीं कर सकते लेकिन एनिमल सेल अपने सेप को चेंज कर सकते हैं कंटेन्स सर्विवल सब टाइल अपेटस कॉल्ड डैक्टोसोम एंड उनके अंदर सिंपल टाइप का गोल्गपेटस प्रिंट होता है जैसे डाइटोसोम कहते हैं लेकिन एनिमल सेल के अंदर प्रोमिनेट इन हाइली कॉम्प्लेक्स गोलगियापेटस नियर द न्यूक्लियस प्रिंट होता है प्लांट्स सेल में रियली देखने को मिलते हैं और एनिमल सेल्स के अंदर फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं एंड रिजर्व फूड मटेरियल इज इन फॉर्म ऑफ स्टार्च रिजर्व फूड होता है स्टार्च की फॉर्म में होता है एंड रिजर्व फूड जो एनिमल सेल्स के अंदर होता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में देखने को मिलता है नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड इक्वाटिक हम प्रोकैरियोटिक सेल्स और इक्वेटिक सेल्स के बीच में डिप्रेजेंट करते हैं सबसे पहले समझते हैं प्रो प्रोक्रोटिक मीन्स क्या होता है प्रो प्रोमीन्स प्रेमिक से सेल्स मीटो से प्रोक्रोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो प्रेम टाइप ऑफ सेल्स होते हैं और वहीं इक्वटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं यू मतलब गुड और बेल न्यूक्लियस मीटो से वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वेल डिफाइंड सेल को हम इक्वटिक सेल कहते हैं इंग्लिश में क्या क्या अंतर होता है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं बहुत जनरली छोटे होते हैं वन टू टेन माइक्रोमीटर और वहीं इक्वेटिक सेल जो होते हैं लार्ज साइज के होते हैं फाइव टू हंड्रेड माइक्रोमीटर एंड न्यूक्लियस न्यूक्लियस मटेरियल आर नॉट इंक्लूड इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या इनके अंदर बेल्ट पर न्यूक्लियस नहीं होता और वहीं इक्वेटिक सेल के अंदर इक्वेटिक सेल जो होते हैं उनके अंदर बेल्ट पर न्यूक्लियस होता है और जो न्यूक्लियर सब्सटेंस होता है न्यूक्लियर मेटेरियल जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बाउंड होता है एंड सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन होता है फिर इक्वेटिक में डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन होता है एंड इनके अंदर सिंगल क्रोमोसोम्स होता है इक्वेटिक सेल के अंदर और वहीं हैव मोर देन वन क्रोमोसोम्स इक्वेटिक सेल के अंदर एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं और वहीं इक्वेटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं सेल मेम बी आर रेस्पेटरी एंजेंस प्रोक्रेटिक सेल्स के अंदर रेस्परेटरी एंजेंस होते हैं वहीं इक्वेटिक सेल के अंदर रेस्पेटरी एबजेंस प्रेजेंट इन माइक्रोमेंडिया एंड नॉट इन सेल मेमरी सेल मेमरी के अंदर प्रिंट नहीं होती माइक्रोमांड्रिया के अंदर प्रिंट होती हैं डी एन ए जो होता है सर्कुलर होता है और वहीं इक्वेटिक में डी एन ए लीनियर होता है मेम्ब्रेन बाउंडे ऑर्गन एब्सेंट होती हैं प्रोक्रोटिक सेल्स में वहीं मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गनज प्रेजेंट होती हैं सेल डिवीजन ऑकर्स बाय फिजन और बडिंग जो सेल डिवीजन होता है वो फिजन या बडिंग की प्रोसेस से होता है और इक्वेटिक सेल में सेल डिवीजन मिजोटिक और मिलोटिक प्रोसेस से होता है इनके एग्जाम्पल जो होते हैं प्रोकैरियोटिक की बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल के या इक्वेटिक सेल के एग्जाम्पल होते हैं मोस्ट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल अब हम जल्दी से इस चैप्टर का रिकैप कर लेते हैं एक बार जिससे कि हमें इस चैप्टर का थोड़ा आइडिया लग जाए हमने इस चैप्टर में जाना कि सेल क्या होती हैं सेल को हमने बोला स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सेल जितने भी ऑर्गेन होते हैं वो सेल से ही मिलकर के बने होते हैं चाहे वो यूनिसेलर हों चाहे वो मल्टीसेलर हों जो सेल है टम्प सेल जो था रोबोट थ ने, ने दिया था जो कि एक डेड सेल न डिस्कवर किया था एंड उसके बाद में डिस्कवरी होती गई तो उसके बाद में हमारे लिए जो असेप्शन रहता है कि तो एक वायरस जो लिविंग एंड नॉन लिविंग के कंप के बीच में आता है वायरस आर एसेप्शन टू सेल थ्योरी वायरस जो था एक सेल थ्योरी के लिए एसेप्शन था सेल थ्योरी में बताया गया था कि सारे, कि सारे के सारे ऑग्डिम सेल से मिलकर हैं एंड जो नए सेल होते हैं वो पुराने सेल से ही निकलते हैं एंड हमने सेल्स के बारे में फिर जाना स्मॉलेस्ट सेल स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो पीपीएलओ का पीपीएल जाता है मतलब प्लीरोफ निमोनिया का एंड जो लार्जेस्ट सेल है वो ऑस्ट्रिच एग है सेल दो तरीके होती हैं प्रोकैरियोटिक एंड इकोटिक प्रोकेटिक और इक्वरिटिक में हमने आपको भी बता ही दिया है इसी के साथ फिर हमने जाना जो सेल होता है उसके तीन पार्ट तीन मेन पार्ट होते हैं न्यूक्लियस प्लाज्मा मेम्ब्रीन एंड साइटोप्लाज्म और इनके बारे में हमने बड़ी डिटेल में और अच्छे से समझा भी है न्यूक् इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है सेलेक्टिव मेम्ब्रेन होती है जो डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस की प्रोसेस से इनटेक ऑफ आउटटेक ऑफ सब्सटेंस करती है एंड न्यूक्लियस जो होता है कंट्रोलिंग यूनिट होता है और वो ज़्यादातर पास जो भी स्टेप्स होते हैं उन्हें कंट्रोल करता है न्यूक्लियस को रोबोट ब्राउन ने डिस्कवर किया था इसके अंदर डीएनए एन ए डी एन इंफॉर्मेशन मेटामोलिक एंड ग्रोथ की इंफॉर्मेशन प्रिंट होती हैं एंड हमने फिर पढ़ा था साइटो प्लान जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का हिस्सा होता है और जब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मिल जाते हैं तो प्रोटोप्लाज्म कहते हैं और प्रोटोप्लाज्म लाइफ सिंथेसिस सब्सटेंस होते हैं तो साइटोप्लाज्म होता है वो इक्वेट उसके अंदर दो तरह के पार्ट होते हैं एक लिविंग जिन्हें हम बोलते हैं ऑर्गनिज या सेल ऑर्गलिस और नॉन लिविंग जिन्हें हम बोलते हैं इंक्लूशन सेल ऑर्गन में आते थे हमारे माइक्रोमोडियस एलोप्ला गोलियापैटस लाइबोसोम एंड वैक्यूल्स और वहीं इंक्लूजन में आते थे हमारे प्रोटीन्स विटामिन मिनरल्स ई हमने एंडोप्लाजिम रैक्टोलियम के बारे में जाना ये दो तरीके होती हैं एंड रफ एंडोप्लाजिम रैक्टिलियम एंड स्मूथ एंडोप्लाजिम रैक्टिलियम और ये प्रोटीन एंड लिपिड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं भी गोलगैपेटिस गोलगेपेटस प्लांट के अंदर डैक्टोसम होता है एंड एनिमल्स के अंदर वो बेल well डिफाइंड होता है ये पैकेज पैकेजिंग ऑफ फूड पार्टिकल में हेल्प करता है एंड इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट्स सेल प्लेट बनाने में भी हेल्प करता है सेल डिविजन के दौरान लाइबोसोम्स के बारे में जाना लाइबोसोम कोम्स लाइट बैग भी कहते हैं और ये फॉरन बैक्टीरिया से फाइट करने में हेल्पफुल होता है इसी तरीके से अपने प्रियोक्सोम जाना जो ऑक्सीडाइजेशन हेल्प करने में हेल्प करता है और कैटल काम करता है एंड लाइबोसोम्स जो कि प्रोटीन से हेल्प करता है और प्रोटीन जो उसके बाद हमने माइक्रोमोटे के बारे में डबल डबल मेम्ब्रेन होती है जो उसकी आउटर सरफेस जो होती है स्मूथ होती है लेकिन इनर सरफेस जो होती है वो क्रिस्टिंग कर करती है पावर हाउस का सेल भी कहते हैं प्लास्टिक जो होती है जो प्लास्टिक होती है वो अपने अंदर दो पार्ट कंसर कर के रखती है तो लिक्व जो कलरलेस होती है और जो फूड स्टोर कर करके कर रखती है स्टासिक फॉर्म में और क्रोमो क्रोमोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है जो कलरलेस कलरफुल होता है जो कि अपने अंदर क्लोरोफिल कंस रखता है क्लोरोफिल जो होते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं सेंट्रोसोम जो होते हैं सेल डिवीजन करने में हेल्प करते हैं एंड सिलिया एंड फ्लैगिया जो होते हैं लोकोमोशन करने में हेल्प करते हैं इन साथ ही साथ हमने इनके बीच में डिफ्रेंस किया इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा जैसे कि आप बता सकते हैं सेल क्या होता है सेल को किसने डिस्कवर किया एंड वाट इज द कॉमन नेम ऑफ माइक्रोमोन्टेरियास एंड राइट ऑन फुल ऑफ ए टी पी क्या होती है एंड गिव टू एग्जाम्पल प्रोक्रेटिक से प्रोक्रेटिक सेल के एग्जाम्पल दीजिए एंड वाट इज द फंक्शन लूनिट ऑफ लाइफ लाइफ की फंक्शन लिनिट क्या होते हैं डिफाइन कीजिए एंड हमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइक्रोमोन्टेरिया बहुत से आपकी क्वेश्चनेस दे रखी हैं जिन्हें आप सोल्व करेंगे तो आपको संह आएगा इसी के साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है इसके सवाल कीजिए और कुछ डाउट हो तो हमें सेंड कीजिए हम इसके सॉल्यूशन आपको भेजेंगे धन्यवाद